हाइफ़न्स में हम सूर्य है और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ पठान के बारे में। ये इसका डे 13 है, मंडे है, और मंडे हमेशा क्रूशियल होता है कोई भी फिल्म के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि ये फिल्म टिकी रहेगी कि चलेगी कि नहीं चलेगी या पूरी तरह गिर जाएगी। अच्छी अच्छी फिल्मों को पब्लिक ने लताड़ दिया 2022-2023 में, लेकिन 2022 की लेकिन शुरुआत अच्छी रही है हिंदी फिल्मों की। अगर बात करें उस हिसाब से पठान एक ऐसा भूकंप लेकर आई है जनवरी महीने में, जहां साउथ वाली फिल्में रिलीज करने को भी डर रही थी, या जो रिलीज भी वो भी चली नहीं, और आदि पुरुष जैसी बड़ी फिल्मों को पोस्टपोन कर दिया गया। सबका पूरा 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 फायदा मिला है पठान को, और पठान बहुत बढ़िया तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन सीधी सी बात है, 12 दिन फिल्म में बीत चुके हैं, ज़्यादातर लोगों ने फिल्म देख ली है, तो डे 13 की जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ज़्यादा हाई फंडू नहीं है, कलेक्शंस भी हाई फंडू नहीं आएंगे, लेकिन फिल्म ऑलरेडी 400 करोड़ कमा चुकी है, तो कलेक्शंस की किसको परवाह है, राइट? बट स्टिल अभी जो भी कलेक्शंस आएंगे वो इसके मक्खन रहेंगे, और ये फिल्म 500 करोड़ तक जाएगी, ये बात तो आप पता ही चल गई होगी। मैंने ऑलरेडी कह दिया था आपको पहले एक हफ्ते पहले ये बात मैंने कह दी है, अब बहुत सारी जगह से आप ये बात सुनोगे, क्योंकि 400 करोड़ होगा तो लोग अपने आप ही लॉजिक लगाएंगे 500 करोड़ जाएगी। कुछ होशियार चंद अपने आप को क्रिटिक समझ के ये मैसेज कह रहे, अरे मैंने तो पहले ही कहा 400 करोड़ जाएगी। भाई तुम तो कुछ भी कह सकते हो, मैं किसी बोलता हूँ ये फिल्म 400 करोड़ जाएगी, फिर दूसरे ट्वीट में कहता हूँ ये फिल्म 300 करोड़ जाएगी, फिर लिख दो ये फिल्म 500 करोड़ जाएगी, फिर 400 करोड़ 500 करोड़ हुआ तो मैं बोलूँगा देखो मैंने पहले ही कहा था। अरे यार तूने ये भी तो कहा था 300 करोड़ जाएगी, तो ये भी तो कहा 200 करोड़ जाएगी, वो ट्वीट के बारे में नहीं बताएंगे। तो ऐसे जो होशियार चंद है ना, इनसे बच के रहना जरा। एनीवेज इसकी ऑक्यूपेंसी 10% की आई है, 10% जी हाँ, दोस्तों ऑक्यूपेंसी 10% की आई है, और सेकंड वीक के मंडे को अगर ये ऑक्यूपेंसी आई है तो बहुत गलत नहीं है। अक्रॉस इंडिया की जो ऑक्यूपेंसी 10% के आसपास है, और ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी, आफ्टरनून शोज में भी बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा तो ऑक्यूपेंसी जो है इवनिंग नाइट शोज में बढ़ेगी। जैसे मुंबई की बात करें तो कुछ थिएटर्स में 70-80% मॉर्निंग शोज तक की ऑक्यूपेंसी है, और पब्लिक देखेगी। मैं आपको बता दूँ, ये वो फिल्म नहीं है जो पब्लिक बोले अरे यार बस हो गया एक बार देख लिया आप फालतू का पैसा डालो, ये नहीं, फिल्म नहीं है। एक बार बंदा देखेगा तो फिर अपनी फैमिली को लेके जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों को यारों को सबको लेके जाएगा, ये वो फिल्म है, ये फिल्म सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है। मैं बहुत लॉजिकली बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने भी 3.5 स्टार ही दिया था पठान को, बिकॉज स्टोरी वाइज मुझे और बेहतर चीजें मिल सकती थी, वो हम सभी जानते हैं, है ना। तो बट स्टिल इट्स अ गुड फिल्म एंड ऑडियंस इज लविंग इट, वैसे भी जनता ने प्यार दे दिया है। अब मैं 1 स्टार दूं या 5 स्टार दूं क्या फर्क पड़ता है, मैंने जो था मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल दिया था, मेरे दिल से जो था दुआ निकली थी 3.5 स्टार में दिया था, वो ओरिजिनल है। बाकी जिसने 4.5 स्टार दिया है, जिसे 2 स्टार दिया है, जिसने 1 स्टार दिया है, वो क्या सोच के दिया है, उसको क्या मिला है क्या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिया मैंने ओरिजिनल दिया, बिना बिके बिना समोसा खाए फ्री का। चलिए 10% की ऑक्यूपेंसी है डे 13 को, पठान आज भी धमाल करेगी, और शाहरुख खान ने प्रूफ कर दिया, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, बिगाड़ दिया मौसम। और जो लोग ट्रोल कर रहे थे, सबकी बोलती बंद है, कौन कौन लोग ट्रोल कर रहे थे आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, कुछ फैंस क्लब भी थे अलग अलग एक्टर्स के, वो भी ट्रोल कर रहे थे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है इस पठान ने शाहरुख खान ने। चलिए फिलहाल कहते हैं, और शाहरुख खान ने वाकई में प्यार से पूरे दिलो जान लोगों के दिल जीत लिए, इंडिया के बाहर के लोगों को, मिडिल ईस्ट में भी, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छी फिल्म कमाई कर रही। मैं 3 से 4 दिन से ओवरसीज कलेक्शन आपको नहीं बता पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक डिटेल वीडियो वापस से बनाऊंगा, जहाँ पे मैं ओवरसीज कलेक्शन और बड़े बड़े कलेक्शन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। आज ही उम्मीद करता हूँ वो कलेक्शन में बताऊँ, वो अपडेट में बताऊँ। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।